लोकसभा चुनाव की पार्श्वभूमि पर शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार राजश्री पाटिल के प्रचार हेतु अभिनेता गोविंदा की उपस्थिति में बाइक रैली निकाली गई। इस प्रचार रैली में अभिनेता गोविंदा ने महापुरुषों के पुतले को कार के नीचे न उतरकर दूर से ही हाथ जोड़ चले जाने के कारण नागरिकों में नाराजगी व्यक्त हो रही है। अभिनेता गोविंदा द्वारा महापुरुषों का अवमान करने की चर्चा शहर में हो रही है। सर जी आपका जूता फट गया था क्या? यवतमाल वाशिम लोकसभा प्रत्याशी राजश्री पाटिल के प्रचार को लेकर वाशिम शहर में अभिनेता गोविंदा की उपस्थिति में बाइक रैली निकाली गई। अभिनेता गोविंदा को देखने के लिए रास्ते पर भीड़ उमड़ी थी। इस दौरान गोविंदा ने मतदारों को दिखावे के तौर पर सड़क पर एक जूता विक्रेता से एक जोड़ी जूते खरीदे। जूते खरीदने के लिए अभिनेता एसी कार से नीचे उतर सकता है, लेकिन महापुरुषों को अभिवादन करने के लिए क्यों नहीं, ऐसा सवाल आम आदमी कर रहा है। अभिनेता गोविंदा की रैली महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर तथा छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने से गुजरी, लेकिन अभिनेता गोविंदा ने कार से नीचे उतरने की बजाय दूर से ही बाबा साहेब अम्बेडकर तथा छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को हाथ जोड़ना उचित समझा। गोविंदा दोनों ही पुतलों को कार के नीचे उतरकर पुष्पहार चढ़ाकर उन्हें अभिवादन करेंगे, ऐसी नागरिकों की उम्मीद थी, लेकिन अभिनेता गोविंदा ने दूर से ही दोनों महापुरुषों को हाथ जोड़ना उचित समझा। अभिनेता गोविंदा केवल दिखावे के लिए एक जोड़ी जूते खरीदने के लिए एसी कार से सड़क पर उतर सकता है, लेकिन महापुरुषों के पुतलों को अभिवादन करने क्यों नहीं, ऐसा सवाल नागरिक कर रहे हैं। अभिनेता गोविंदा द्वारा एक तरह इन महापुरुषों का अपमान करने की चर्चा वाशिम शहर में चल रही है। यह भी कहा जा रहा है कि इसका नतीजा यवतमाल वाशिम लोकसभा उम्मीदवार जयश्री पाटिल को काफी महंगा पड़ेगा।